सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने एंजल वन ऐप पे अपने डीमैट अकाउंट पे स्टॉक्स को खरीद के रखा है, अभी मैंने बताया है कि स्टॉक को कैसे खरीदना है, ETF को कैसे खरीदना है, कैसे आपको स्टॉक्स को होल्ड करना है, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे। अब अगर आपको स्टॉक्स को सेल करना है तो क्या उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, और स्टॉक को प्रॉपरली कैसे सेल करना है, टी पिन कैसे डालना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव वीडियो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है कि स्टॉक खरीदने के बाद कब बेचना है, ये वीडियो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने चार्जेस लगने वाले, सबसे पहले तो बता देता हूँ, अगर आप स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं तो सेलिंग पे आपको DP चार्जेस लगता है। DP चार्जेस कितना लगता है इसका स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है, इस वीडियो के बाद ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में DP चार्जेस का लिंक मिल जाएगा, जिसको वीडियो को आपको देख के समझ जाएगा कि सेलिंग पे आपको कितना चार्जेस लगता है। और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका प्रॉफिट कैसे आपके डीमैट अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग बैलेंस में आता है, मतलब आपने किसी भी स्टॉक को सेल कर दिया तो उसका पूरा प्रॉफिट आपको एक बार में नहीं मिलता है, अब कुछ अमाउंट ब्लॉक होता है, तो इस वीडियो में आपको वो भी पता चलेगा। जो अमाउंट ब्लॉक होता है वो T+1 day के बाद आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाता है, तो T+1 सेटलमेंट क्या होता है इसका भी स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, ये आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, मतलब आपको पूरा A to Z कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे चैनल पे जाके पूरे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स को कैसे सेल करना है। सबसे पहले तो मैं अपने एंजल वन के पोर्टफोलियो में चले गए, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल स्टॉक है, जैसे IRFC का स्टॉक है, गेल का स्टॉक है, सभी में प्रॉफिट चालू है। तो IRFC स्टॉक को अगर मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, 7 quantity प्लेस सेल ऑर्डर यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वन टाइम वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब टी पिन के लिए पूछता है, तो सिंपली यहाँ पे हम रीजनरेट टी पिन करेंगे और यहाँ पे मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक टी पिन आएगा जो कि मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं वेरीफाई करूँगा और मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या मेरे रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसको भी मैं वेरीफाई कर दूंगा, तो मेरा जो टी पिन वेरीफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, अभी मैं किसी भी स्टॉक को ईजिली सेल कर पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप पोर्टफोलियो में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें से मुझे 13,000 का पोर्टफोलियो है, मैं कुछ स्टॉक को यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। जैसे जोमेटो का स्टॉक है, इसमें मेरे पास 30 quantity है, नंबर ऑफ शेयर में मैं 30 डालूंगा, मार्केट प्राइस को इसमें मैं सेल कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक जोमेटो के स्टॉक सेल कर दिए, साथ साथ दूसरा स्टॉक यहाँ पे भी मैं सेल करना चाहता हूँ, जैसे IOCL है, ठीक है, IOCL में भी प्रॉफिट हमारा चल रहा है, तो इसमें भी मैं 10 quantity मेरे पास है मार्केट प्राइस पे, मैं प्लेस सेल ऑर्डर पे इस पर क्लिक करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ये भी स्टॉक मैं यहाँ पे सेल कर दिया है। और हम यहाँ पे स्टॉक सेल करने वाले, जैसे कि अभी हम यहाँ पे वेदांता है, IRFC में भी हम इसको सेल कर देते 7 stock, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 3 quantity मतलब 3 stocks यहाँ पे सेल कर दिए, अभी आप देख सकते हो 8,437 rupees हमारे अभी यहाँ पे अकाउंट में आ चुके हैं। इसमें से अभी मैं वेदांता के स्टॉक भी सेल करना चाहता हूँ, तो वेदांता पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, वेदांता पे क्लिक करूँगा, इस पर भी प्रॉफिट 3 quantity, इसको भी मैं सेल कर दूंगा, प्लेस सेल ऑर्डर मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी आप देखोगे तो IOCL IRFC अब 0-0 दिख रहा है। अभी हमारे पास टाटा स्टील है, आर पावर है, गेल स्टॉक है, इसको भी अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो सभी को मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप टाटा स्टील पे देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स मैंने रखे, लगभग हमारे पास 7,600 rupees अभी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें का कुछ अमाउंट अभी ब्लॉक है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट होता है कुछ अमाउंट ब्लॉक है, जैसे 9,650 उसमें से 1,600 यहाँ पे ब्लॉक है, जो कि नेक्स्ट T+1 days मतलब नेक्स्ट डे ऐड होंगे और मैं इसको इजीली विड्रॉल कर सकता हूँ। सो ट्रेडिंग बैलेंस में हमारा कुछ अमाउंट ब्लॉक होता है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो।